हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ, तो बड़ा स्वागत है आपका गुरुनीति 180 वर्सेस 180 श्रृंखला के अंदर। और आज अपन बायो में जो 90 वीडियो है उसमें से 16 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी 16 लेक्चर है। और आप समझ सकते हैं कि बोटनी से रिलेटेड ये आपका जो 8वां आपका लेक्चर है। बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा कि अपन ने जो प्रीवियस साथ में अपने प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट किंगडम को डिस्कस किया, भाई डाइवर्सिटी जो है वो अपनी पूरी हो चुकी है। हाँ। आज अपने प्लांट मॉर्फोलॉजी का फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम लोग रूट एंड स्टेम के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सर। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी अपन यहाँ एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करेंगे, आवर्तबीजी पादपों की ओनली, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब होते हैं। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि जो आवर्तबीजी पादप है, जो पृथ्वी के सबसे विकसित पादप है, आप सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म की अब अपन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, तो उसी से अपन रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ सकते हो कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। बिल्कुल। कि जो प्लांट ऑर्गन्स हैं उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उनकी बाह्य संरचना या उनकी फिजिकल फॉर्म, भाई दो चीजें होती है। बिल्कुल। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। हाँ। मॉर्फोलॉजी में होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी। हाँ। एनाटॉमी के अंदर होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी स्टडी। बिल्कुल। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि इसको भी अपन ने बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में किया है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि जैसे सीड से, सीड का जर्मिनेशन होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, तो रेडिकल से रूट इनिशिएट होती है और रेडिकल से रूट सिस्टम फॉर्म होता है। बिल्कुल। जो अंडरग्राउंड होता है और डिसेंडिंग पोर्शन है। और आप समझ सकते हैं प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से जो आप जानते हैं कि शूट सिस्टम असेंडिंग पोर्शन है। बिल्कुल। तो जनरली सिस्टम दो होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। बट ऑर्गन की बात करें तो रूट, स्टेम, क्योंकि सूट सिस्टम में मेन स्टेम होता है, एक्सिस होता है, उसके ऊपर ब्रांचेज और लीव्स, बाद में जो भी पार्ट्स आएंगे फ्लावर, फ्रूट्स, वो सारे उसी पे होते हैं। यस। तो अपन यहाँ पर बिल्कुल जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अपन जाएंगे, तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले अपन रूट स्टेम के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप समझ सकते हैं लीफ इन्फ्लोरेंस, उसके बाद फ्लावर। और फ्लावर का डिस्क्रिप्शन अपन बहुत ही अच्छे लेवल पे, यानी विस्तृत लेवल पे अपन बात चर्चा करेंगे, यानी फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं। बिल्कुल। वहाँ पर आप जानते हैं कैलिक्स, कोरोला, तो फिर एस्टिवेशन क्या होता है, फिर एंड्रोसियम, तो वहाँ एडेल्फी या जो भी कोहेजन होता है, एडेसन होता है, मतलब ससंजन, आसंजन, उसके पश्चात अपन प्लेसेंटेशन, और उन्हीं कैरेक्टर से अपन रिलेट करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की फैमिलीज को, जो फैमिलीज होती हैं, और फाइनली अपन सीड और फ्रूट को अपन स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में अपन चलेंगे। और आप समझ सकते हो बेटा, तो यहाँ पर अपन जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो बाह्य स्वरूप होता है, जो फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, उसके अपन स्टडी करेंगे। क्लियर? हाँ। ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच प्लांट एडवेंटियस रूट इज प्रेजेंट। बिल्कुल। किस पादप में अपस्थानिक मूल उपस्थित होती है? तो एंजियोस्पर्म प्लांट बेटा आवर्तबीजी पादपों में रूट दो टाइप की होती है, रूट आर टू टाइप्स। फर्स्ट आपकी होती है टैप रूट, टैप रूट, मूसला मूल। बिल्कुल। और दूसरे प्रकार की जो रूट है वो है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक मूल। और ये जो रूट के दो प्रकार है वो ओरिजिन के बेसिस पर है। बिल्कुल। उत्पत्ति के आधार पर है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि देखो बेटा कि इफ रूट ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, अगर रूट आप जानते हैं कि जो जड़ की उत्पत्ति है वो किससे हो, रेडिकल से हो। बिल्कुल। तो टैप रूट, और अदर देन रेडिकल मतलब रेडिकल को छोड़ के अगर और कहीं से रूट निकले तो उस रूट को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। बिल्कुल। अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़कर चाहे स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हो, ब्रांचेस से हो, ब्रांचेस से हो या लीप से हो। बिल्कुल। जैसे ब्रायफिलम लीप में, ब्रायफिलम बिगोनिया, बिगोनिया ब्रायफिलम को आप समझ सकते हैं कि ब्रायफिलम लीप पर अपन एडवेंटिस रूट देते हैं। बिल्कुल। क्लियर? तो वहां एडवेंटिस बड भी होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, कायिक प्रवर्धन में यूज होती है। तो रूट के दो टाइप है एंजियोस्पर्म प्लांट में, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। बिल्कुल। क्लियर? ये बात आपकी होगी। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि देखो, हाँ, इस बेसिस पे अपन डाइकोट को अलग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी डाइकोट में दोनों टाइप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये ओनली रूट है। तो रूट के दो टाइप है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। बिल्कुल। ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल। जैसे बेन एंट्री है, बरगद है। हाँ। तो उसमें एक तो टैप रूट सिस्टम हो गया। हाँ। और ब्रांचेस से जो रूट निकलती है वो एडवेंटिशियस हो गई। तो प्लांट तो एक ही है। हाँ। पर उसमें टैप रूट भी हो गई, एडवेंटिशियस। यहाँ रूट के दो टाइप है। अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड के अंदर सरसों, सरसों में आप जानते हैं कि टैप रूट होती है, और रूट सिस्टम भी टैप रूट सिस्टम ही होता है, वहां पे डाइकोट है, तो यहाँ नहीं हो सकता। फिर आप देखिएगा कि टर्निप, सलजम, तो वहां भी टर्निप तो अपने आप में मॉडिफिकेशन है, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज के लिए, नेपी फॉर्म जिसको अपन बोलते हैं, कुंभी रूपी। यस।
हाँ ग्रासेज ये मोनोकोट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ग्रासेज है, मोनस्टेरा है, और इनमें आपका क्या एडवेंटियस रूट है, एडवेंटियस रूट, तो ये आपका करेक्ट है, क्लियर। और सनफ्लोर ये डाइकोट है, तो वहां आप जानते हैं कि रूट होती है, टैप रूट होता है, मेन सिस्टम जो होता है, आप समझ रहे हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द टू रूट मॉडिफिकेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम फंक्शन, निम्न में से कौन से दो मूल रूपांतरण समान कार्य हेतु उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल, हैंगिंग रूट ऑफ बेनियन ट्री, जैसे अपने पास में ये इस तरीके से कोई बेनियन ट्री होता है, एंड ये जो यहाँ पे इस तरीके से बेनियन ट्री हुआ करता है, इसमें इस तरीके से रूट्स लटकती रहती है ब्रांचेस से, तो वो क्या करती है, सपोर्ट देती है, ठीक है। न्यूमेटोफोर ऑफ राइजोफोरा, राइजोफोरा में जो न्यूमेटोफोर होती है वो रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन है, श्वसन के लिए क्या है, रूपांतरण है। सोलन रूट ऑफ स्वीट पोटेटो, भाई जो स्वीट पोटेटो जो शकरकंद है उसकी जो एडवेंटिशियस रूट है, फूड स्टोरेज, फूड स्टोर करती है, बिल्कुल। एडवेंटिशियस रूट ऑफ ग्रास, तो ये क्या करती है, ग्रास की एडवेंटिशियस रूट सपोर्ट देती है एक तरीके से। रूट ऑफ टर्निप, टर्निप की जो रूट है वो क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, कॉनिकल जो भी है। तो देखिएगा बेटा, अपन सीधी सी बात करते हैं कि जैसे रूट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो तो वाटर, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल, बाकी प्लांट को एनकरेज करना, और जो भी प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, बिल्कुल, ऑक्सिन साइटोकाइन, तो उनका भी सिंथेसिस करना होता है। इसके अलावा रूट अगर अदर फंक्शन करती है उसके लिए मॉडिफाई होती है, जैसे फूड स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सपोर्ट के लिए, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि जो हैंगिंग रूट है बनियन ट्री के अंदर, तो यहाँ आप सबने बताया कि जो भी बरगद होता है, बरगद का मेन रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम होता है वो तो टैप रूट सिस्टम होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ना कि रूट दो टाइप की होती है, टैप और एडवेंटियस, बिल्कुल है ना। लेकिन रूट सिस्टम आगे अपन पढ़ेंगे वो दो टाइप के होते हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम, भाई दो चीजें होती है, रूट तो होती है, रूट एंड उसकी ब्रांचेस, हाँ, इनको मिला के बोलते हैं रूट सिस्टम, रूट सिस्टम अपन वो दो टाइप का होता है, हाँ, तो वो दो टाइप के आपके होते हैं। तो उसी के बेसिस पे अपन डाइकोट मोनोकोट डिफरेंशिएट करते हैं, रूट सिस्टम के बेसिस पे, सिस्टम के बेसिस, रूट के बेसिस पे नहीं करते। आप देखिएगा बनियान एक डाइकोट है, मेन रूट सिस्टम टैप है, लेकिन जो भी बनियान ट्री की ब्रांच है, तो ब्रांच के नोड से यहाँ से ये हैंगिंग रूट होती है, बिल्कुल, और पहले ये स्पॉन्जी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन बाद में जैसे ही ये अंडरग्राउंड जाती है पिलर की तरह, बिल्कुल, जैसे अर्थ को टच करती है, टच करती है, पिलर की तरह बिहेव करती है, तो ये आपकी होती है, आप समझ सकते हैं प्रॉप रूट, बिल्कुल, जो आप जानते हैं इनका सहारा देना काम है। न्यूमेटोफोर राइजोफोरा, राइजोफोरा में अपन आगे बताएंगे, न्यूमेटोफोर जो होती है वो रेस्पिरेशन के लिए बाहर आ जाती है, क्लियर, पॉजिटिवली, हाँ, आप कैसे तो फोटोट्रॉपिक होती है। और स्लोन रूट ऑफ स्वीट पोटेटो, तो ये फूड स्टोरेज के लिए, एडवेंटेज रूट का है मॉडिफिकेशन, लेकिन फूड स्टोरेज के लिए, बिल्कुल। और एडवेंटेज रूट ऑफ ग्रासेस वो नॉर्मल अगर करती है वाटर एंड मिनरल्स को, रूट ऑफ टर्निप ये भी फूड स्टोरेज का, तो ये फूड स्टोरेज है, ये फूड स्टोरेज है, बिल्कुल। यहाँ पर आपका आंसर जो है तो सी और ई, बिल्कुल, थर्ड आपका आंसर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैसिकुलेटेड टाइप ऑफ रूट इज फाउंड इन, कंदिल घुच प्रकार की मूली किसमें मिलती है, पाई जाती है। तो देखिए सर, अपन बात करते हैं कि फूड स्टोरेज के लिए जो टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन होते हैं ना, वो तो आपके होते हैं, जैसे कि फ्यूजी फॉर्म है, क्लियर, तर्करूपी मूली के अंदर, ऐसे कोनिकल है शंकुरूपी गाजर में, और नेपीफॉर्म कुंभ रूपी क्या है, नेपीफॉर्म सलजम, ऐसे क्या होता है, फूड स्टोरेज के लिए एडवेंटेज रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं, बिल्कुल। तो एडवेंटेज रूट के अंदर फर्स्ट आपकी होती है ट्यूबरस रूट, बिल्कुल, ट्यूबरस जिसमें ट्यूबर पाई जाती है, हाँ, कंदिल जड़, तो ट्यूबरस रूट तो आप जानते हैं, से एनिमित, आप ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब है कि जो इरेगुलर ग्रोथ हो, इरेगुलर, ये येलो है ना, ये ट्यूबर, स्वीट पोटेटो, ये पोटेटो नहीं है, स्वीट पोटेटो, तो स्वीट पोटेटो आपका होता है शकरकंद, बिल्कुल, क्लियर। तो शकरकंद में आपकी होती है ट्यूबरस रूट, बिल्कुल। अब आप जानते हो, देखो इरेगुलर है, एनिमित है, एडवेंटेज इसमें बड भी है, और ये आप जानते हैं कि स्वीट पोटेटो है, शकरकंद है। अब अगर मान लो ऐसे ही यहां पर अगर मान लो कि ऐसे ही कंदिल जड़ों के ट्यूबरस रूट का ऐसे ग्रुप हो, गुच्छा हो, मतलब ट्यूबर रूट का अगर ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ ट्यूबर रूट्स, उसे हम लोग बोलते हैं फैसिकुलेटेड टाइप ऑफ रूट। यानी आप जानते हैं कि यहां पर बंच, बंच फॉर्म ऑफ गुच्छा, बिल्कुल, गुच्छा, इसको आप कहते हैं एस्पर्गस और डहेलिया, एस्पर्गस और डहेलिया, ये आपका हो गया फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, कंदिल गुच्छ। तो आंसर आपका सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम आपको डायग्राम दे रखा है, बिल्कुल। तो एडवेंटेज रूट के मॉडिफिकेशन में, बिल्कुल, ट्यूबरस और फैसिकुलेटेड दो का डायग्राम आपको दे रखा है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा, हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए, बिल्कुल, क्लियर। तो यहाँ देखिए बेटा कि रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, अब आपको कंसेप्ट दिमाग लगाना है
कि भाई वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल या वाटर का एब्जॉर्प्शन ये रूट का प्राइमरी फंक्शन है, चाहे तो वो टैप रूट हो चाहे एडवेंटिशियस रूट हो। भाई वो तो रूट के दो टाइप है, टैप और एडवेंटिशियस होता तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी है। दोनों का प्राइमरी फंक्शन वाटर एब्जॉर्प्शन है बिल्कुल। इसके अलावा अदर कोई भी फंक्शन है, चाहे वो सपोर्ट हो, फूड स्टोरेज हो, रेस्पिरेशन, उनके सबके लिए रूट मॉडिफाई होती है बिल्कुल, मॉडिफिकेशन शो करती है। तो यहां देखिएगा कि ये तो सीधी बात है, ये फर्स्ट ही आपका हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। इसके बाद देखिए कि सपोर्टिंग रूट इन मोनोकोट, कि कुछ मोनोकोट प्लांट में सपोर्ट देने के लिए, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिक्ट रूट, मेज में, सुगरकेन में, ग्रास में। जैसे अपन मेज सुगरकेन में देखते हैं, तो सुगरकेन में या बाजरा में ये प्लांट जैसे कभी कभी ज्यादा हवा चल जाए तो इसे गिर जाएगा बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो बेस है, यहाँ तो उसका रूट सिस्टम है, लेकिन इस बेस के पास वाले नोड से, इस स्टेम के बेस के पास वाले नोड से यहाँ साइड में ये ओब्लिक्यूली फॉर्म में ये रूट्स होगी, ओरिजिनेट होगी। तो इनको आप सपोर्ट के लिए हुई स्प्लिट रूट, ये कौन सी रूट होती है, स्प्लिट रूट, स्प्लिट रूट्स होती है, जटामूल आपकी होती है। भाई नोड तो बहुत सारी होती है, जो नीचे वाली नोड है उनसे निकलती है, और या फिर जैसे मिट्टी का कटाव हो जाए तो बाजरे के अंदर आप जाते हैं, ऐसे रूट्स निकल जाती हैं, इनको आप स्प्लिट रूट्स कहते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं स्प्लिट रूट होगी, क्लियर है। ऐसे आप जानते हैं कि हेल्पफुल इन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, ये अच्छी कंसेप्ट है। आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो मैंग्रोव वेजिटेशन होती है ना, वो मार्स रीजन में दलदल, दलदल में, अब दलदल में ऑक्सीजन नहीं है, दलदल तो वाटर लॉज सोइल है, जहां पे इतना ज्यादा वाटर है कि वहां पर एयर नहीं होती है। अब आप समझते हैं ऑक्सीजन नहीं होती है तो प्लांट की रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो रेस्पिरेशन नहीं कर सकती, एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वाटर मिनरल का एक्टिव अब्सॉर्प्शन पॉसिबल ही नहीं है, बिना रेस्पिरेशन के वो लिविंग कैसे रहेगी। अब उन रूट के अंदर वो ऑक्सीजन के लिए बाहर आ जाएंगे अपवर्ड मूवमेंट करके, तो उसको आप कहते हैं न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर। आप समझ रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी रूट आपका हो जाएगा जो एडवर्स कंडीशन के लिए बिल्कुल। फिर आप देखिए कि सपोर्टिंग रूट इन सम डाइकोट, कुछ डाइकोट में सपोर्टिंग रूट के रूप में प्रोप बेनियन ट्री है ना, उसमें देखिएगा कि जो मेन रूट सिस्टम होता है वो तो टैप रूट सिस्टम होता है बिल्कुल बरगद में, क्योंकि वो तो ट्री नेचर है, और ट्री जो ब्रांचेस वगैरह होती है वहां से इस तरीके से निकल जाती है बिल्कुल। अब आप जानते हैं कि ब्रांच से सपोर्ट के लिए हैंगिंग रूट बिल्कुल, वो एडवांटेज टाइप के रूट। एक खास बात यहाँ पे और भी है, ये जैसे ही प्रोप रूट जमीन के अंदर आती है तो इसका जो टिप पार्ट है वहां पे रूट के भी पाया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कि ये आप समझ रहे हैं कि प्रॉप रूट आपका हो गया, और अडेप्टेशन फॉर फूड स्टोरेज बिल्कुल। तो ये अडेप्टेशन देखो, ये लो फैसिलिटेटेड रूट, अभी बात करते हैं एडवांटेज रूट का मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज के लिए, क्लियर। ए में फर्स्ट, ए में आपका फर्स्ट का आंसर फर्स्ट केवल एक ही है, आप समझ रहे हैं कि फोर बिल्कुल, ए में फर्स्ट, बी में फोर बिल्कुल, और उसके बाद थर्ड आंसर आपका क्या हो गया फोर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द पार्ट ऑफ रूट विच ग्रोज इन लेंथ, मूल का वह भाग जो उसकी लंबाई में वृद्धि करता है, रूट कैप, जोन ऑफ इलोंगिनेशन, मेरिस्टेमेटिक जोन और जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो अपने को पता है कि रूट कैप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन रूट। जोन ऑफ इलोंगिनेशन और मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पे दो कंडीशन है। मेरिस्टेमेटिक जोन में तो क्या होता है, न्यू सेल्स बनती है, फिर वो सेल इलोंगिनेशन जोन में जाकर अपनी साइज को क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिससे जो रूट है उस रूट की लेंथ बिल्कुल बढ़ जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, जोन ऑफ इलोंगिनेशन। भाई अपन आगे भी समझाएंगे, डायग्राम आपका आएगा, जैसे अपन एक रूट में थ्री पार्ट्स का अपन स्टडी करें बिल्कुल, तो रूट की स्ट्रक्चर में ऐसे थ्री पार्ट्स आपके आएंगे बिल्कुल। अब आप ध्यान दें जो टिप पार्ट है, क्लियर। तो यहां आप जानते हैं कि ये फ्यू एमएम का मेरिस्मेटिक जोन होगा, कोशल जोन, मेरिस्मेटिक जोन जो होता है बिल्कुल। और यहां आप जानते हैं बेटा कि ये रूट कैप होल के प्रोटेक्शन के लिए म्यूचुअली सिक्रेट करेगी और घर्षण से इसको सुरक्षा भी देगी। आप ध्यान दीजिए कि मेरिस्टेम सेल क्या पैटर्न शो करती है, मेरिस्टेम सेल ग्रोथ का है कि एक तो आप जानते हैं कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है और न्यू सेल ऐड होती रहती है, वो तो आगे से आगे सेल ऐड होती जाएगी बिल्कुल। और दूसरी क्या होगी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंज करके वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी, यानी अंदर से इलोंगेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा। तो आप जानते हैं कि बहुत रैपिडली एक्सपेंशन होगा तो सेल एनलार्जमेंट होगा, सेल परमानेंट सेल एनलार्जमेंट बिल्कुल। तो ये एनलार्जमेंट का एरिया होता है इलोंगेशन, एनलार्जमेंट का बिल्कुल। और वही लेंथ में क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। फिर जब वो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस के बाद जब ये डिफरेंशिएट विभेदित हो जाती है तो ये परमानेंट हो जाती है बिल्कुल। तो डिफरेंशिएट अगर परमानेंट, जो मैच्यूरेशन जोन है, डिफरेंशिएट जोन या मैच्यूरेशन जोन, वहीं से आप जानते हैं कि रूट हेयर का एलोंगेशन आपका होगा, इस मैच्यूरेशन जोन में आकर अब वो अपना वर्क करना शुरू कर देते बिल्कुल। फंक्शन के लिए होती है, फंक्शन के लिए होती है। कोई भी मेरिस्टेम सेल डिफरेंशिएट क्यों होती है,
किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी डिफरेंशिएशन का मतलब ये फंक्शन का फिक्स हो जाना। हाँ हाँ, क्योंकि मेरिस्टेम से जब डिफरेंशिएशन होगा और परमानेंट बनेंगे तो लॉस ऑफ डिवीजन गेन ऑफ फंक्शन, यस लॉस ऑफ डिवीजन गेन ऑफ फंक्शन, ये डिवीजन का लॉस कर देंगे किसी न किसी कार्य के लिए, तभी तो स्ट्रक्चर बनेगी ना। ETS, epidermal tissue system, ground tissue और vascular, जो भी formation आपका होगा, और ये आप जानते हैं आगे से आगे grow करती जाएगी, clear? तो according this question आप समझ सकते हैं zone of elongation, अच्छा question है। Next आप देखिएगा question number 6, adventitious roots of pistia are helpful in pistia की अपस्थानिक मूल निम्न में सहायता करती है। पिस्टिया यहाँ पर एक aquatic plant है, बिल्कुल, जो पानी में पाया जाता है, तो इसमें जो adventitious root है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बैलेंसिंग द प्लांट, स्टोरिंग द फूड मटेरियल, तो यहाँ पर जो पिस्टी है वो पानी में पाया जाता है। हाँ। और पिस्टिया पानी में एक तरीके से आपको भी स्टैंड करता रहे, उसके लिए यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है पानी में, इसको बैलेंस प्रोवाइड करता है, मुक्त प्लावी पादप है, मुक्त प्लावी पादप है, पानी में तैरता रहता है, इसे फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, फ्री सरफेस पे फ्लोट करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो गया सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इन मेज प्लांट सम ऑब्लिकली डेवलप्ड रूट्स which provide mechanical support और मक्का में तिर्यक रूप से विकसित होने वाली मूले जो यांत्रिक सहायता प्रदान करती है वो कौन सी होती है? प्रोप रूट। तो प्रोप रूट जो है वो तो होती है डाइकोट में, वो तो होती है बेनिंट्री में, वो तो बरगद में होती है, बिल्कुल स्टिल्ट रूट यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पर क्या होगा, जो मेज वगैरह है इसमें जो नीचे की तरफ नोड पाए जाते हैं, इन नोड से भी सर ने बताया था इस तरीके से क्या निकलती है, स्टिल्ट रूट निकलती है जो वहां पे मैकेनिकल सपोर्ट देती है। बिल्कुल भाई, शुगर केन में है, जो बाजरा में बार बार अपने बताया कि जो लोअर नोड होती है जो बेस के निकट आपकी नोड होती है, तो यहाँ से ये ओब्लिक्यूली तिरछी रूप से ओब्लिक्यूली साइड में अपने सोइल में सपोर्ट देने के लिए, भाई तिरछी क्यों, ताकि निकल के जमीन में आ जाए, हवा से गिर जाता है तो यहाँ सपोर्ट के लिए गिर जाती है, या मिट्टी का बरसात के पानी से मिट्टी का कटाव हो जाता है, सोइल इरोजन हो जाता है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये बेस है और ये रूट सिस्टम, लेकिन यहाँ से आपके सपोर्ट के लिए ओब्लिक्यूली ये रूट ओरिजिनेट हो जाती है, जिनको आप कहते हैं स्प्लिट रूट, मेज और शुगर कैन में होती है। बिल्कुल क्लियर, तो आप समझ, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, स्वेलिंग रूट विच स्लोन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल इज फाउंड इन, फूली हुई मूल जो विशिष्ट अंतरालों पे फूलने की आवृत्ति दर्शाती है, बार बार फूलती है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो एडवेंटिस रूट का ही मॉडिफिकेशन है। मैंने आपको समझाया था कि एडवेंटियस का मैंने आपको एक तो ट्यूबरस रूट बता दिया था, ये आप समझ सकते हैं कि ट्यूबरस रूट आपको बता दिया था शुगर के, वो स्वीट पोटैटो पे जो आपकी शकरकंद होती है, क्लियर। उसके बाद आपको फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट एस्परगस में, डहेलिया में, ये जो गुच्छा पाया जाता है ऐसे, क्लियर। फिर एक आपकी होती है कि जो रूट एडवेंटियस रूट का टाइप है लेकिन फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो रही है, तो वो जो स्वेलन है एक फिक्स इंटरवल पे, ऐसे इंटरवल पे आपकी वो स्वेल होती है, स्वेलअप होती है, फूलती है भोजन संचय से, तो ये आप समझ सकते हैं कि जैसे अपन दिखता है ना माला के ऊपर मोती, बिल्कुल बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, एक ऐसे माला के ऊपर मोती, बिल्कुल, तो इसको आप कहते हो मोनिलिफॉर्म, मोनिलिफॉर्म, बिल्कुल मोनिलिफॉर्म, और आप जानते हैं कि मोनिलिफॉर्म है और ये पाई जाती है बेटा जो करेला मोमोरेडिका है करेला के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा हल्दी, तो हल्दी तो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल, और डहेलिया तो डहेलिया ये है फेसिकुलेटेड, क्लियर, और ऑक्जेलिस उसकी मतलब ही नहीं है, खट्टी बूटी जो होती है स्टेम का मॉडिफिकेशन है या स्टेम है, क्लियर। यहाँ अपन बात करते हैं तो आपका मोमोरेडिका यानी करेला, करेला के अंदर मोनिलिफॉर्म, बिल्कुल, ये इसको बोलते हैं वीडेट रूट, वीडेट रूट, बिल्कुल, तो ये पाई जाती है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, Which one of the following statements is incorrect with respect to root? Store reserve food material, तो बिल्कुल सही बात है, भी जो root है, हालांकि वो water का absorption करती है, minerals का absorption करती है, लेकिन वो food को भी store कर सकती है। Synthesis of plant growth regulator, बिल्कुल auxin hormone का, cytokinin hormone का, ये synthesis करती है root. Primary root is short lived and replaced by a large number of root इन मस्टर्ड प्लांट, नो मस्टर्ड तो डाइकोट प्लांट हो गया, यहां तो टैप रूट सिस्टम है, ठीक है, तो मस्टर्ड के लिखे होने से स्टेटमेंट गलत हो गया। रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन इज प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, बिल्कुल सही है, जो मेरिस्टेमेटिक जोन के पास में जोन है वो कौन सा है, इलोंगेशन जोन है, बिल्कुल, अपने बताया था कि पहले मेरिस्टेमेटिक फिर प्रॉक्सिमल आपका इलोंगेशन एंड देन मैच्योरेशन, क्लियर, तो आप समझ रहे हैं कि ये बात आपकी यहां पर है।
देखो भी कुछ रूट आप मॉडिफाई होकर स्टोर कर सकती है, कैन वर्ड यहाँ पर आता ज्यादा अच्छा रहता बिल्कुल। बाकी सिंथेसाइज और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये भी पॉसिबल है बिल्कुल। और यहाँ प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट इन मस्टर्ड, ये रॉन्ग है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ यहीं पर रूट सिस्टम, तो देखिएगा कि रूट सिस्टम दो टाइप के होते हैं। आप जानते हैं कि रेडिकल से प्राइमरी रूट इनिशिएट हो बिल्कुल, वो इनसाइड ग्रो करे, इनसाइड ग्रो करे और फिर आप जानते हैं कि उससे ये इस फॉर्म में इनसाइड वो ग्रो करे और फिर उससे आपकी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे रूट्स निकले, ब्रांचेस निकल जाए। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम है यह बिल्कुल, टैप रूट सिस्टम। हाँ, और टैप रूट सिस्टम ओनली एंड ओनली डाइकोट में हो बिल्कुल, क्लियर। अब आप जानते हो ना, देखो डाइकोट में टैप रूट भी हो सकती है, एडवेंटेज रूट, रूट दोनों टाइप की हो सकती है, लेकिन रूट सिस्टम जो होगा डाइकोट में अगर सीड से प्लांट बना है तो टैप रूट सिस्टम आपका होगा बिल्कुल, मूसला जड़ तंत्र। और यहां पर बात करें कि देखो जो मोनोकोट है, ग्रासेज होती है, फिर जो अनाज वाले प्लांट होते हैं जितने भी वीट है ना, ये सारे जो गेहूं चावल ये अनाज जितने भी हैं बिल्कुल, तो आप समझ रहे बेटा कि जो ग्रेमिनी पोएसी फैमिली से रिलेटेड है। यहां पर देखो जैसे रेडिकल से प्राइमरी रूट इनिशिएट होती है लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड यानी अल्पजीवी, और फिर स्टेम के बेस से ऐसे थिन कई सारे ये एडवेंटेज रूट ये प्रमात्रिक ऐसे गुच्छा सा बना लेती है बिल्कुल, इसको आप कहते हो फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, क्लियर। तो ये लाइन फाइब्रस रूट सिस्टम की लिख रखी है जो डाइकोट में पॉसिबल ही नहीं। मस्टर्ड की जगह कोई वीट आता है, कोई बाजरा आता है, तो देख लेते हैं, देख लेते मस्टर्ड निकल, तो ये 100% आपका क्या है, गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा, इनकरेक्ट आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर एंड सो विविपेरी बिलोंग टू, विशिष्ट सवन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजक्ता दर्शन पादप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बिल्कुल। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, नीट एग्जाम 2017 में आया, उससे पहले भी कई बार रिपीट हो रहा है बिल्कुल। मॉर्फोलॉजी के जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन उनमें से एक है, इसमें से एक और एक अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखना अपन बात करते बेटा कि आपको मैं एक बताता हूँ मैंग्रोव वेजिटेशन, तो जो मैंग्रोव वेजिटेशन है, मैंग्रोव वनस्पति है मार्शी एरिया बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि वो दलदली क्षेत्र में, मार्शी रीजन में ग्रो करती है बिल्कुल, जो सुंदरवन बंगाल है ऐसे दलदली क्षेत्रों में। अब दलदल में ऑक्सीजन नहीं है तो वहां क्या होता है बेटा कि इनके अंदर जैसे कि ये स्टेम उनका सूट सिस्टम हो गया, लेकिन अब यहां से अपन बात करें कि जैसे उनका रूट सिस्टम है, तो रूट सिस्टम है तो यहां से इस फॉर्म में रूट्स बाहर आ जाती है, वापस बाहर निकलती है ऑक्सीजन को लेने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए नेगेटिव जियोट्रोपिक हो गया। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि देखिएगा ये इस फॉर्म में बाहर निकलती हैं, ये मेन रूट सिस्टम होता है बिल्कुल, क्लियर। अब देखिए बेटा कि ये अपवार्ड यानी नेगेटिव जियोट्रोफिक ग्रो करके बिल्कुल, ये मतलब सरफेस से ये जो टेरेस्ट्रियल धरातल से बाहर आ जाती है बिल्कुल, और ये क्या धारण करती है, न्यूमेटोथोर्स, न्यूमेटोथोर्स छोटे छोटे पोर्स होते हैं न्यूमेटोथोर्स बिल्कुल, जो किसके लिए होते हैं, गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं बिल्कुल, न्यूमेटोथोर्स होते हैं बिल्कुल, जहां से गैस एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन इनका फंक्शन होता है बिल्कुल, तभी इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स। तो ऐसे न्यूमेटोफोर पाई जाती है, न्यूमेटोफोर्स, क्लियर। अब ये न्यूमेटोफोर रूट रखने वाले तभी तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है इसमें ये सर्वाइव कर पाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए रूट बाहर आ गई, क्लियर। ये कंसेप्ट आपको अपन भी अंदर तो टू थे नहीं तो रूट बाहर आ गई बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि अपवार्ड ग्रो करती है, नेगेटिव जियोट्रोफिक ग्रोथ करती है, सारी बात हो गई है तो चलो ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा ये प्लांट क्या करते हैं कि इन प्लांट में मान लो इन प्लांट के ऊपर मान लो सीड बने, और अगर वो सीड डायरेक्ट इस दलदल में, इस मार्स रीजन में बिल्कुल, इस दलदल में अगर वो सीड गिर जाए तो सीड का जर्मिनेशन हो गई, यहां तो एयर ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन और सीड जर्मिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन बिल्कुल, है ना। तो ये प्लांट क्या करते हैं कि अपने फ्रूट में ही सीड को जर्मिनेट कर लेते हैं और सीड का अंकुरण, बीज का अंकुरण कर लेते हैं, और जो नवोद्भिद, जो न्यू प्लांटलेट बिल्कुल आपका फॉर्म होता है, यानी आप समझ सकते हैं, तो वो नवोद्भिद जो न्यू प्लांटलेट फॉर्म होता है उसके बाद वो ट्रांसफर होता है दलदल के बिल्कुल, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, विविपेरी, विविपेरी बोलते हैं भाई। देखो वैसे तो एनिमल में टर्म यूज होती है ओविपेरस, जो अंडे देने वाले होते हैं बिल्कुल, और विविपेरस जो सीधे यंग वंस नई संतान पैदा करने वाले होते हैं, तो जानते हो ना ओविपेरस और विविपेरस। प्लांट में तो ओनली सीड देने वाले प्लांट है एंजियोस्पर्म, तो उनको ओविपेरस की कैटेगरी दी जाती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सीधे डायरेक्ट सीड नहीं देते हैं, पहले सीड का जो जर्मिनेशन है, प्री जर्मिनेशन, वो अपने फ्रूट में ही कर लेंगे, है ना। और फ्रूट में सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा तो फिर वो जो न्यू प्लांटलेट यानी जो नवोद्भिद बनेगा
उसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, दलदल में। बिल्कुल क्लियर। तो ये विविपेरी शो करते हैं। वैसे तो क्या होता है कि सीड का जर्मिनेशन ग्राउंड के अंदर होता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ग्राउंड इसके लिए सही है ही नहीं, तो इन सिटू फॉर्म में हो जाएगा, इन सिटू फॉर्म में हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ नहीं है ना। अब आप समझे कि लवणीय दलदल में उगने वाले प्लांट होते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल हेलाइन साल्टी मार्सी रीजन में, तो आपका क्या हो गया, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स लवणोद्भिद जो मैंग्रोव वेजिटेशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो गया। हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, और देखो 11 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा खतरे को चुनना है। बहुत अच्छा आपका डाउट क्लियर करने वाला कंसेप्ट है बेटा। मोनोकोट कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम डाइकोट ऑन द बेसिस ऑफ रूट सिस्टम, हमने भी बात की थी। जो डाइकोट है उसमें तो पाया जाता है टैप रूट सिस्टम, मोनोकोट में होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। भाई अपन कहें कि डाइकोट और मोनोकोट को आपस में डिफरेंशिएट करना है, या मोनोकोट कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम डाइकोट, तो रूट सिस्टम के बेसिस पे ही कर सकते हैं अपन, रूट सिस्टम के बेसिस पे। बिल्कुल बेटा, आपने कहा था रूट के टाइप ऑफ रूट के बेसिस पे नहीं कर सकते, रूट सिस्टम के बेसिस, रूट के प्रकार के बेसिस पे नहीं कर सकते, बिल्कुल रूट सिस्टम है ना। अगर मान लो टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है तो वो डाइकोट है, टैप रूट सिस्टम ओनली डाइकोट में हो सकता है, बिल्कुल, और मोनोकोट है तो या तो वहां रूट ही है केवल एडवेंटियस, और अगर सिस्टम है सीड से प्लांट बना है, जैसे अनाज होते हैं जो भी सीरियल्स आपके होते हैं, वीट है, राइस है, तो वहां आपका बनता है फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम है ना। अगर सीड से प्लांट बनता है तो रेडिकल से प्राइमरी रूट इनिशिएट होती है, वो शॉर्ट लिव्ड है, अल्पजीवी है, स्टेम के बेस से निकलती है, स्टेम के बेस से ऐसे कई सारे फाइन फाइबर फाइबर ऐसे फाइब्रस, और जकड़ देते हैं सोयल पार्टिकल को सपोर्ट के लिए, तो ये होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, जो अधिक गहराई तक नहीं जाते। अब वो मोनोकोट जो सीड से नहीं बनेंगे तो वहां रूट हो जाएगी, फिर सिस्टम नहीं बनेगा, बिल्कुल, लेकिन अगर सीड से प्लांट बन रहा है तो टैप रूट सिस्टम डाइकोट में होता है, और फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होता है, मोनोकोट में होता है, और मोनोकोट में कभी टैप रूट सिस्टम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, डाइकोट में टैप रूट सिस्टम है ना, लेकिन रूट दोनों टाइप के पॉसिबल है, जैसे टैप रूट तो है ही डाइकोट में, लेकिन एडवेंटिस रूट हो सकता है, जैसे एंट्री है, हाँ टैप रूट तो ही है पीछे, हाँ, की तरफ है, हाँ, और जो एडवेंटिशियस रूट है वो भी है, वो भी है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, मोनोकोट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द डाइकोट ऑन द बेसिस ऑफ रूट सिस्टम, बिल्कुल। तो कभी भी स्टेटमेंट आ जाए कि क्या एक बीजपत्रियों को द्विबीजपत्री से जड़ के प्रकार के आधार पर अलग कर सकते हो, नहीं, जड़ तंत्र के प्रकार पर, रूट के टाइप पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एडवेंटिस रूट मोनोकोट में डाइकोट में वो हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन रूट सिस्टम के आधार पर कर सकते हो, क्योंकि टैप रूट सिस्टम ओनली डाइकोट में होता है, बिल्कुल, और फाइब्रस है और रूट सिस्टम है तो वो मोनोकोट में होता है, बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एडवेंटिस रूट आर एडवेंटिस इन ओरिजिन, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रूट के टाइप ही ओरिजिन के बेसिस पे बने हैं। भाई अगर रेडिकल से ओरिजिनेट होती रूट, रेडिकल से, तो वो टैप है, रेडिकल से ओरिजिनेट होती टैप है, अदर देन रेडिकल, बिल्कुल, तो वो क्या है, एडवेंटिशियस हो गई, एडवेंटिशियस हो गई, बिल्कुल, बात को समझे, चाहे वो प्लांट के किसी भी पार्ट से निकले, स्टेम ब्रांच या लीफ, तो एडवेंटेज होगी। तो आप जानते हैं ओरिजिन के बेसिस पे हुई, रेडिकल से ओरिजिनेट हुई टैप, रेडिकल से ओरिजिन नहीं हुई तो एडवेंटेज, ये तो रूट के दो टाइप हो गए, क्लियर, बिल्कुल, हाँ। उसके पश्चात आप समझ सकते हैं कि रूट सिस्टम के दो टाइप अलग होते हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम, बिल्कुल, तो ये भी करेक्ट हो गए। डाइकोट प्लांट हैव ऑलवेज टैप रूट, याद दिया है कि डाइकोट प्लांट हमेशा ही टैप रूट रखते हैं, जो मेन रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है, फिर बनियान ट्री में बरगद में जो ब्रांचेज होती है, तो ब्रांचेज की नोट से जो हैंगिंग रूट आपको बताई थी, प्रोप रूट, अब प्रोप रूट का टाइप क्या है, एडवेंटिशियस, बिल्कुल, रूट का टाइप एडवेंटियस है, लेकिन ये रूट सिस्टम नहीं है, रूट सिस्टम तो जो मेन प्लांट का होता है वही रूट सिस्टम होता है, बात को समझे। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, एडवेंटियस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, बिल्कुल सही है, रेडिकल के अलावा अगर अन्य किसी पादप भाग से रूट ओरिजिनेट होती है, चाहे वो कैसे निकले, अब सीधा सा कंसेप्ट ये है कि रेडिकल किस में होता है, सीड में होता है, तो रेडिकल से रूट बने और प्राइमरी रूट बने, फिर सेकेंडरी टर्शियरी आ जाए तो टैप रूट सिस्टम बन गया, रेडिकल से रूट बने और प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड हो, अल्पजीवी हो, फिर आप जानते हो कि फाइन फाइबर फाइबर फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया। लेकिन जैसे कुछ मोनोकोट में अपन बात करें, यह चाहे डायकोट में रेडिकल के अलावा बात करते हैं, तो वो आप समझ सकते हो कि एडवेंटिस रूट, बिल्कुल, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं इस वे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको आप करें। नेक्स्ट आप देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 12 आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर टैप रूट सिस्टम एस्पेरेगस फाइब्रस रूट सिस्टम वीट फैसिकुलेटेड रूट डहेरिया स्टिल्ट रूट सोरगम। तो अपने को पता है कि जो एस्पेरेगस है उसमें टैप रूट सिस्टम नहीं पाया जाता, उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। नहीं नहीं अपन वो सीधी सी बात वो सही बात है भाई, अपन ने कहा टैप रूट सिस्टम तो एस्पेरेगस भाई यहां रूट सिस्टम दे दिया क्लियर। एस्पेरेगस के अंदर आप जानते हैं कि एडवेंटेस रूट का मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए क्लियर। फाइब्रस रूट सिस्टम वीट में अभी अपने बताया कि मोनोकोट जो अनाज होंगे सीड से प्लांट बनेगा तो आप समझ रहे हैं कि वहां प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है बस फाइब्रस बन जाएगा। फैसिकुलेटेड रूट डहेलिया बिल्कुल करेक्ट आपने बता दिया। स्प्लिट रूट सोरगम जवार या बाजरा वो सब जानते हैं उन सब में होती है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनमें से कौन सा सत्य है। रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। तो बिल्कुल सही है भी जो रूट का मेनली फंक्शन है वो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना ही है लेकिन कई बार वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज भी कर लेती है दूसरे फंक्शन करने के लिए। टैप रूट ऑफ कैरेट टर्निप रेडिश एंड स्वीट पोटेटो गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे जो कैरेट टर्निप रेडिश स्वीट पोटेटो है इनमें जो रूट है वो फूड का स्टोर तो करती है लेकिन यहाँ पे दे रखा है टैप रूट और जो अपने पास में स्वीट पोटेटो है इसमें फूड का स्टोरेशन टैप रूट नहीं करती एडवांटेजियस रूट करती है भाई एडवांटेज का मॉडिफिकेशन। बिल्कुल भाई ये जो कैरेट है टर्निप है रेडिश है इनमें तो टैप रूट है टैप का मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए कोनिकल फ्यूजीफॉर्म है ना बिल्कुल सॉरी कोनिकल नेपीफॉर्म लेकिन सुगर कैन और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि देखो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि रूट अपने शेप को चेंज करेंगी। भाई जनरल रूट का तो प्राइमरी फंक्शन वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना होता है। अब अगर हम मान लो कि जैसे फूड को स्टोर करेगी तो स्वेल हो जाएगी फूल जाएगी तो शेप साइज उनकी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अगर उन पे पोर बन गए इसका मतलब रेस्पिरेशन करेगी तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर आपसे पूछा है करेक्ट तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 Which of the following is not a stem modification? कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। Tendril of pumpkin, thorn of citrus, flattened structure of opuntia and pitcher of nepenthes। तो अपने को पता है कि तीनों यहाँ पे स्टेम के मॉडिफिकेशन है। नेपंथीस में जो पिक्चर होता है ये अपन कह सकते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन बोल देने की सॉल्यूशन है। इसका आंसर आपका ही हो गया। बिल्कुल सीधी सी बात ध्यान दीजिए इंसेक्टिव रिस्पॉन्स है। स्टेम पे आ गए हैं। स्टेम आप जानते हो प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होता है असेंडिंग पोर्शन है तना प्लांट एक्सिस का वो पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस दैट डिफरेंशिएट इनटू नोड इंटरनोड जो परो परोसंधि में बटा होता है ना स्पेशली बड को धारण करता है। बिल्कुल और स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि भी ये शाखा पत्ती पुष्पों को धारण करता है होल्ड करता है उनको। इट बियर ब्रांच फ्लावर जो ब्रांच है लीव्स है फ्लावर है फ्रूट है सब कुछ जो असेंडिंग पोर्शन में सारे पार्ट को ये होल्ड करता है धारण करता है ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। और रूट से जो वाटर मिनरल है उसको एरियल पार्ट तक पहुंचाता है। इसके अलावा मॉडिफाई होता है तो मॉडिफिकेशन जैसे अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए है। बाकी अबव द ग्राउंड के अंदर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होते हैं जैसे अपन कहें कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए होता है सपोर्ट के लिए टेंड्रिल बन जाता है के लिए होता है। तो टेंड्रिल ऑफ पंपकिन बिल्कुल ये जो कद्दूवर्गीय सब्जी है बिल्कुल जो पंपकिन है मतलब आप जानते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली से रिलेटेड है। तो इनमें क्या होता है कि स्टेम की नोड पर जैसे जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है तो उसके एक्जिल में एक्जिलरी बड होती है। बिल्कुल अब ये एक्जिलरी बड अगर इस थिन थ्रेड में फ्लेक्सिबल थ्रेड में मॉडिफाई हो यानी इसको आप कहते हो स्टेम टेंड्रिल। बिल्कुल एक्जिलरी बड से स्टेम टेंड्रिल हो गया तो किसमें पाया जाएगा टेंड्रिल ऑफ
पंपकिन स्टेम में या कुकुरबिट्स में। थॉर्न ऑफ सिट्रस भी किसका मॉडिफिकेशन एग्जिबिट का ही है। फिर थॉर्न तो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, स्पाइस जहां पे आ जाए फिर वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो एक्सिलरी बड अगर थ्रोन फॉर्म में पॉइंटेड ऐसे थ्रोन बना ले एक्सिलरी बड, आप देखो दोनों की ओरिजिन सेम है, क्लियर। बिल्कुल आप जानते हैं कि ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। बिल्कुल क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि ये होमोलोगस है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इवोल्यूशन में भी, क्लियर। तो ये भी हो गया। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ओपनसिया, तो आप जानते हो ओपनसिया का जो कंप्लीट स्टेम है वो बिल्कुल हरा चपटा यानी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर और अनलिमिटेड ग्रोथ करने की ब्रांचेज ऐसे होती है और यहाँ कंप्लीट स्टेम ग्रीन फ्लैट हो जाता है, म्यूसिलेज को स्टोर करता है। बिल्कुल। और लीफ मॉडिफाइड स्पाइन, स्पाइन में लीफ चेंज होती है, इसको आप बोलते हैं ना फिलोक्लेड। फिलोक्लेड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। फिलोक्लेड प्रणाम स्तंभ, लीफ तो बन जाती है स्पाइन में और जो फोटोसिंथेसिस फूड का फॉर्मेशन करना है वो फंक्शन होता है यहाँ पे स्टेम। बिल्कुल। और कंप्लीट स्टेम संपूर्ण यानी कंप्लीट स्टेम होल स्टेम बिल्कुल फ्लैसी मांसल और आप समझ सकते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ की उस पर जो ब्रांचेज होती है आगे से आगे ब्रांच, आपने देखा होगा ओपनसिया के अंदर नागफनी के अंदर। बिल्कुल क्लियर। और ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि म्यूसिलेज को स्टोर करता है और ये वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपिरेशन को बहुत कम करता है ये लीफ का। तो और स्टेम का परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लीफ तो मॉडिफिक्स लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी तो स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल। तो यहाँ स्टेम क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। तो ये तो सारे स्टेम के हो गए। अब आप जानते हैं पिक्चर ऑफ नेफेंथीज, तो नेफेंथीज में आप जानते हैं कि पिक्चर का बनना ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ के किसी पार्ट का मॉडिफिकेशन, इंसेक्ट को ये किल कर देता है, मार देता है ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर ले। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि आंसर विल बी 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। फाइब्रस रूट सिस्टम ऑफ वीट डेवलप फ्रॉम, गेहूं का रेशेदार मूलतंत्र विकसित होता है, रेडिकल से होता है, बेस ऑफ स्टेम, पेरिसाइकल ऑफ स्टेम या लेटरल रूट। तो यहां पे फाइब्रस रूट सिस्टम अभी बात की थी अपन ने, इसमें क्या होता है कि जो टैप रूट है वो बहुत ही एडवांटेज शॉर्ट लिव्ड की होती है। तो फिर यहाँ पर स्टेम का जो बेस पार्ट है, तले का यहाँ पर जो आधार भाग होता है वहां से बहुत सारी क्या निकलती है, रूट्स निकलती है। तो आंसर यहाँ पे हो गया तले के आधार भाग से। बिल्कुल भाई, स्टेम जब प्राइमरी रूट जो बनती है रेडिकल से वो शॉर्ट लिव्ड है, अल्पजीवी है। बिल्कुल। नष्ट हो जाती है तो फिर स्टेम एक बार अगर उसको होल्ड करती है फिर नष्ट हो जाती है। तो स्टेम के बेस से ऐसे फाइबरी फाइबर, बिल्कुल ये आपके फाइबरस रूट सिस्टम हो गया जो मोनोकोट में अनाजों में आपका होता है। तो यहाँ आप समझ रहे हैं फाइबरस रूट सिस्टम वीट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बिल्कुल। आप समझ, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। एडिबल रूट आर फाउंड इन, खाने योग्य मूल कहाँ पाई जाती है, राइस में, वीट में, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में। तो स्वीट पोटैटो जो है इसमें पाई जाती है एडवेंटिशियस रूट, जो फूल जाती है इरेगुलरली वो यहाँ पे क्या करती है, ग्रोथ करती है, जिसको आप लोग कहते हो ट्यूबर। तो स्वीट पोटैटो में जो एडवेंटिशियस रूट ट्यूबर बनाती है, इरेगुलर ग्रोथ करती है, इसमें फूड का स्टोरेशन होगा। पोटैटो के अंदर भी फूड का स्टोरेशन होगा बट वो स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन। बिल्कुल भाई देखो, ये तो बड़ा डिफरेंस है। पोटैटो है ना वो आप जानते हैं अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ट्यूबर है ना, लेकिन ये ट्यूबरस रूट है। ये स्वीट पोटैटो ना, ये आप जानते पोटैटो स्वीट पोटैटो तो स्टेम नहीं है। बिल्कुल। ये स्पेशली क्या रूट है, रूट एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट। मीठा आलू शकरकंद को कहते हैं। बिल्कुल क्लियर। तो आपका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, दिए गए चित्र को देखें इसके संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। बिल्कुल। तो पहले डायग्राम पे आ जाइए आप। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल टैपरूट सिस्टम का है। क्यों? बिल्कुल आप समझो यहाँ पर क्या हुआ, रेडिकल से आप समझ सकते हो कि जो एम्ब्रियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेडिकल और प्लीम्यूल, तो रेडिकल से इनिशिएट होता है रूट और प्लीम्यूल से शूट। तो अब आप जानते हैं रेडिकल से प्राइमरी रूट फॉर्म हो गई, प्राइमरी रूट फॉर्म फ्रॉम रेडिकल एंड दिस ग्रो इनसाइड, वो नीचे की ओर ग्रो कर रही है, क्लियर, कंटिन्यूसली नीचे ग्रो कर रही है। और उस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी टर्सरी जो ब्रांचेज के होंगे, सेकेंडरी टर्सरी लेटरल ब्रांच, सेकेंडरी के ब्रांच, टर्सरी टर्सरी जो लेटरल ब्रांचेज हैं वो एंडोजेनसली ओरिजिन में यहां से डेवलप हो रही है, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि टैपरूट सिस्टम का डायग्राम है जिसमें क्या होता है, बाय द जर्मिनेशन ऑफ रेडिकल प्राइमरी रूट फॉर्म एंड दिस प्राइमरी रूट ग्रो इनसाइड सोयल एंड देन ओरिजिनेट ऑफ लेटरल रूट्स सेकेंडरी एंड टर्सरी कंप्लीटली एंडोजेनसली, उत्पत्ति में अंतर्जात आपकी होती है। बिल्कुल बात को समझ रहे हैं। तो आप समझें कि यहां पर आपको दिया गया है कि दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। बिल्कुल करेक्ट है, टैप रूट सिस्टम है। हाँ टैप रूट सिस्टम तो वही है जो रेडिकल से डेवलप होता है। बिल्कुल
मूसला, क्योंकि पहले आप जानते प्राइमरी रूट मूसला मूल बनी, फिर सेकेंडरी टर्सरी बनी, है ना, द्वितीयक तृतीयक जड़े जिनको सम्मिलित रूप से मिलाकर अपन क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं, करेक्ट है। लेटरल रूट्स जो पार्श्व जड़े हैं अराइजिंग फ्रॉम द टर्सरी रूट, टर्सरी मेन रूट आर एक्जोजेनस इन ओरिजिन, बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि एंडोजेनसली होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है स्टेम की, जो ब्रांचेस है वो होती है एक्जोजेनस, स्टेम से ही ब्रांच है ना, ब्रांच डेवलप होती है स्टेम से, वो एक्जोजेनसली होती है, लेकिन रूट से जो लेटरल ब्रांच होती है वो एंडोजेनसली होती है, वो आपको होती है एंडोजेनसली, बिल्कुल अंतर्जात उत्पत्ति होती है, वो पेरिसाइकल से निकलती है, ये रॉन्ग हो गया। रूटलेट आर द अल्टीमेट रूट ब्रांचेस दैट बियर रूट हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल फॉर वाटर मिनरल, जो भी है बिल्कुल करेक्ट है, है ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सभी रूट रूट हेयर्स लेंगे जो मैच्यूरेशन जोन में, ताकि वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर सके। सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन, ये भी सही, एक्रोपिटल सक्सेशन यहाँ पर आगे से आगे निकल, अगर विसारी क्रम ही वहां पर होगा, क्योंकि आप जानते हो कि देखो ये डिस्टल पार्ट है, ये प्रोक्सिमल है, अब जो टिप पार्ट है जो ग्रोइंग रीजन है, तो ग्रोइंग रीजन पर अगर मान लो न्यू रूट है और बेस पे आपका ओल्ड हो जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, एक्रोपिटल ही कहते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो सेकंड हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, अभी हमने बात की थी कि ऐसी रूट जो रेडिकल से निकले उनको बोलते हैं टैप रूट, और अगर रूट जो है वो रेडिकल के अलावा और कहीं से निकले तब हम उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, और एडवेंटिशियस रूट आर एडवेंटिशियस इन ओरिजिन, बिल्कुल यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फाइब्रस रूट है, जबकि फाइब्रस तो रूट सिस्टम हुआ करता है, बिल्कुल क्लियर। तो आप सब हाँ, फाइब्रस रूट सिस्टम में एडवेंटिशियस रूट हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन रूट के टाइप दो ही होते हैं, टैप और एडवेंटिशियस, फ्रॉम रेडिकल अदर देन रेडिकल, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इंडिकेट ए टू डी इन द गिवन फिगर, ए यहाँ पे बिल्कुल अपने को पता है, ये यहाँ पे हो गया रूट केप, इसके बाद में ये यहाँ पर है मेरिस्टेमेटिक सेंटर, इसके बाद में ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये यहाँ पे डी है, इस एरिया का नाम तो हो गया मैचुरेशन जोन, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये रूट हेड्स वगैरह है, तो कह सकते हैं कि साहब जो ए है वो तो क्या हो गया मैचुरेशन जोन, इसके बाद डी यहाँ पे क्या है रूट हेड्स है, सी यहाँ पे है रूट केप, और बी यहाँ पर है मेरिस्टेमेटिक जोन, बिल्कुल आप अच्छे से, भाई आपको पूरे जोन ही बता दिए, भाई आपको बार बार जोन बता दिए कि फ्यू एमएम का मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन, बिल्कुल वहां से रूट हेयर, और ये प्रोटेक्शन के लिए ये रूट केप, रूट केप, और वहां आपका एनसेट में बिल्कुल दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग अच्छा जो एक्वाटिक प्लांट होंगे उनमें रूट केप नहीं होता है, रूट केप नहीं पॉकेट होती है, रूट पॉकेट होगा गुलिस्तान पे, तो आप बहुत अच्छी बात ये बताई, आप ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब इससे अगर अपन मिलाएं तो सी ऑप्शन में रूट कैप है, पहले अपन ए से शुरू कर लेते हैं, ए से अपन शुरू कर लेते हैं, ए यहां पे है अपने पास में रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, बिल्कुल रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, क्लियर। बी की बात करें, बी यहां पे अपने पास में हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, इसका बिल्कुल सही आंसर, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। फिर आप नेक्स्ट देखिएगा कि वहां पर अपन सी पे रूट कैप, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 20 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, रूट केप आर प्रेजेंट इन प्रोक्रूट, अभी हमने बात की थी जो बेरियन ट्री से बरगद से जो प्रोक्रूट निकलती है, हैंगिंग रूट, हैंगिंग रूट जो होती है वहां पे प्रेजेंट हो सकती है, रूट केप पाई जाती है, निमेटो फोर हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है, जो निमेटो फोर है वो क्या करते हैं ऑटो को रिसीव करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, इडिबल पार्ट ऑफ गिंगर इन इज अंडरग्राउंडेड स्टेम, बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो अदरक है उसका जो एडिबल पार्ट है वो यहाँ पे अंडरग्राउंडेड स्टेम होता है, राइजोम होता है उसके अंदर, बिल्कुल, और वो फूड हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो राइजोम होता है, जैसे राइजोम इस फॉर्म में आगे ग्रो करता है तो ये राइजोम है, अब राइजोम में नोड है, स्केलिंग होती है ना, यहाँ स्केलिंग लीव्स हैं, एडवेंटियस रूट्स हैं, क्योंकि अदर देन रेडिकल तो आप जानते हो एडवेंटेज रूट्स हैं, अगर हॉरिजॉन्टल होता है तब हम उसको बोल देते हैं राइजोम, अगर ऐसे वर्टिकली होता है तब उसको बोल देते हैं कॉर्म, कॉर्म अरबी वगैरह में होता है जैसे, क्लियर। तो हाइड्रोफाइट्स यूजली पजेस ए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, नहीं, हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी में पाए जाने वाले, उनमें यूजली जो है वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं पाया जाता, सब आप जानते हैं कि हाइड्रोफाइट्स में तो पानी की वैसे अवेलेबिलिटी है, तो सबसे कम लेस डेवलप सबसे कम विकसित प्रकार का जड़ तंत्र आपका, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है वहीं से वाटर को अब्सॉर्ब, सबसे विकसित प्रकार का जड़ तंत्र जो होता है वो जीरोफाइटिक प्लांट में होता है, बिल्कुल जीरोफाइट में, हेलोफाइट जो बहुत ज्यादा पानी की कमी महसूस करते हैं मरुद्वीप इलाकों में,
क्लियर। तो ये आपकी बात हो गई, इसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं कि 1, 2, 3 क्लियर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। और फिर अपन बात तो ये भाई फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया ना, बिल्कुल। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। द राइजोम डिफर फ्रॉम रूट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रकंद मूल से निम्न के संदर्भ में भिन्न होता है। तो बेसिकली राइजोम यहाँ पे स्टेम हो गया, स्टेम का एक मॉडिफिकेशन हो गया। इट्स थिक थिन देन रूट, बिल्कुल ही अपन यहाँ पे कह सकते हैं। स्केली लीव्स का होना, नोड्स एंड बड्स का होना, क्योंकि बच्चों नोड और जो बड्स है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम में पाए जाते हैं, रूट में कभी भी लीफ नहीं होती है, कभी भी नोड नहीं होगा, कभी इंटरनोड नहीं होगा। तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, अपन अगर जनरल कैरेक्टर पढ़े कि जो रूट है जनरली इट ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, क्लियर। और जनरली अपन रेडिकल से ओरिजिनेट होगी, उसके बाद अगर अपन छोटे छोटे स्टेटमेंट की बात करें कि ग्रो मतलब अंडरग्राउंड, या अपन बात करें ग्रो इनसाइड द सोयल, सोयल के अंदर की ओर ग्रो करती है, तो पॉजिटिव जियोट्रोफिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिक लेकिन नेगेटिव फोटोट्रोफिक। और ये प्लांट एक्सिस का वो पार्ट है जो रूट सिस्टम में प्लांट एक्सिस वो पार्ट है जो जनरली नोड इंटरनोड में डिफ्रेंशिएट कभी नहीं होगा, बिल्कुल नोड इंटरनोड कभी भी नहीं होगी रूट के ऊपर, कभी भी बड कलिका, बिल्कुल जो ट्रू बड होती है, ट्रू बड नहीं होगी, एडवेंटेज फॉर्म हो सकती है, बाकी ट्रू बड कभी भी नहीं होगी, स्टेम पर होती है। जो एपिकल बड और एक्सिलरी बड है, बिल्कुल वो कभी भी रूट पे नहीं पाए जाते, और नोड इंटरनोड ये फॉर्म नहीं होगी। स्केल मींस दैट नोड एंड बड इन एक्सिल, तो यहां एक्सिल की बात हुई है, एक्सिलरी बड की तो ये नहीं होगी। तो ये आपका आंसर क्लियर, अब आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। एक्सिलरी बड्स ऑफ स्टेम गेट चेंज इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न, व्हिच वन प्लांट कंटेन दिस थॉर्न। तो देखिए बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ये स्टेम से रिलेटेड आ गए हैं, बिल्कुल। और आपको मैंने बार बार बताया कि स्टेम प्लांट एक्सिस का वो पार्ट है जो प्लूम्यूल से डेवलप होता है, प्रांकुर से विकसित होता है, असेंडिंग पोर्शन है सामान्यतः, आरोही भाग है, नोड इंटरनोड में डिफरेंशिएट है, पर्वपरोसंधि में डिफरेंशिएट है, इसको धारण करता है। हाँ, और सीधी सी बात है बड सबसे इंपोर्टेंट, बड जो ट्रू बड होगी, और आप जानते हैं एक तो जहां उसकी नोड, ये नोड है, और दो सक्सेसिव नोड के बीच का ये इंटरवल जो है ये इंटरनोड है। अब यहाँ कोई ब्रांच या लीफ होती तो ये एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड, और यहाँ जैसे एपिकल जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है ये एपिकल ग्रो करता था, ये एपिकल बड है, तो ये टर्मिनल बड एपिकल बड, और आप समझ सकते हैं कि ये एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड, ये ट्रू बड ओनली स्टेम का कैरेक्टर है। स्टेम के अदर देन स्टेम बड कहीं पर भी होगी, स्टेम के अलावा बड कहीं पर भी होगी तो वो एडवेंटेज बड होगी, जैसे तो ब्रायफिलम की लीप में होती है। एक आपने अभी पढ़ा स्वीट पोटेटो शकरकंद, जो एक प्रकार की जड़ है, एडवेंटेज रूट का मॉडिफिकेशन है, तो वहां जो बड होगी ना वो एडवेंटेज होगी, बिल्कुल बड नहीं होगी। और नोड इंटरनोड हो गई, बड होगी। फिर देखिए इस स्टेम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, कि जो भी शाखाएं ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, फ्लावर फ्रूट इन सबको धारण करता है, बियर करता है, होल्ड करता है, यानी शाखा पत्ती पुष्प फल सबको धारण करता है, ये स्टेम का प्राइमरी फंक्शन, क्लियर। और आप जानते हैं कि जड़ से जो भी वाटर मिनरल मिल गए उसको अपवार्ड यानी एरियल पार्ट तक पहुंचाता है। अब जनरली ये जो स्टेम है ये इरेक्ट फॉर्म में होता है, उर्दू होता है, सीधा होता है, लेकिन कुछ फॉर्म में आप जानते हैं कि स्टेम मॉडिफाई होता है, बिल्कुल। तो जो मॉडिफिकेशन होते हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है, और अंडरग्राउंड स्टेम के आपके जो चार टाइप आपको अपन ने बताए थे, बिल्कुल भाई, राइजोम है हॉरिजॉन्टल, इसके अभी प्रसन्न ने बताया कॉर्म है, ट्यूबर है जो पोटेटो में होता है, और बल्ब जो आप जानते हैं एड्यूट स्टेम, हाँ जो ओनियन अनियन में और उसमें आपको होता है, क्लियर, वो तो अंडरग्राउंड हो गए। इसके अलावा आप जानते हैं कि सब एरियल रनर सारे आप कहना पड़ोगे। अच्छा, उसके बाद में आप जानते हैं कुछ एरियल मॉडिफिकेशन जो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है, तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन में जैसे फर्स्ट आपका होता है फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो मॉडिफिकेशन होता है, तो देखिएगा कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो स्टेम ये एक्सिलरी बड किसका पार्ट है, स्टेम का। अब अगर मान लो ये एक्सिलरी बड, ये एक्सिलरी बड अगर पॉइंटेड हार्ड पॉइंटेड ऐसे थॉर्न में मॉडिफाई हो जाए प्रोटेक्शन के लिए, तो ये किसमें, सिट्रस में बोगनविलिया में, सिट्रस और बोगनविलिया, तो सिट्रस और बोगनविलिया का जो थॉर्न होता है ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड पर कई मॉडिफिकेशन है, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि तने की कक्षीय कलिका कास्टी सीधी नुकीली कांटों में रूपांतरित हो जाती है, बिल्कुल है ना, वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न, तो आप जानते हैं किसमें, बोगनविलिया और सिट्रस में, बिल्कुल बोगनविलिया और किसमें, सिट्रस, सिट्रस नींबू में, हां। बाकी जैसे ऐसे तो ओपन सिया पे अगर स्पाइन आए तो लीफ का मॉडिफिकेशन, बिल्कुल। लेकिन अगर एक्सिलरी बड चाहे थॉर्न बनाए चाहे टेंड्रिल बनाए, बिल्कुल अगर एक्सिलरी बड थॉर्न बनाती तो स्टेम थॉर्न, सिट्रस एंड बोगनविलिया, और एक्सिलरी बड अगर परतान मतलब टेंड्रिल जो होती
स्प्रिंग की तरह बिल्कुल आप जानते हैं कि सपोर्ट फ्लेक्सिबल आपका होता है सपोर्ट के लिए, तो आपका होगा स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल किसमें होता है? कुक्रिबिटेसी। कुक्रिबिटेसी तो वो सारी बात आपके अच्छा पैराग्राफ है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्जाम के अंदर आते हैं, उसको आप बच्चे से अच्छे से क्लियर करें। आंसर क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। असत्य मिलान को चुनिए। जिंजर अदरक जो है इसमें मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम, पिस्टिया मॉडिफाइड स्टेम, फाइकस मॉडिफाइड स्टेम। तो यहाँ पे अपने इनकरेक्ट का पूछा ही है। करेक्ट का पूछा है अपन इसके अंदर। मैं देखो जिंजर है बिल्कुल करेक्ट है, मॉडिफाइड स्टेम है राइजोम। ये राइजोम आपका हो गया हॉरिजॉन्टल बिल्कुल। ये नोड और बीच के आपकी इंटरनोड हो गई। ये एपिकल बड होगी, एपिकल बड ग्रो करता रहता ना अदरक, है ना, जो भी आप राइजोम बोलते हो जिंजर या टर्मरिक अदरक हल्दी रही है। ये फिर फर्न का राइजोम ऐसे, यहाँ एडवेंटेज रूट होगी। क्लियर? यहाँ स्केली लीव्स। क्लियर? और बिल्कुल ये कंप्लीट फ्लैसी, संपूर्ण मानसिक तरह होता है, कंप्लीट फ्लैसी होता है, होल फ्लैसी होता है। यहाँ पे नोट्स वगैरह है इनके बीच का, यहाँ पे इंटरनोड्स हो गया, इंटरनोड काफी छोटा होता है इसमें, बिल्कुल, है ना। तो जिंजर राइजोम ये तो करेक्ट हो गया। पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, पोटैटो आप जानते हैं कि जो मेन स्टेम है, तो मेन स्टेम की जो ब्रांचेज होती है ये फूड को एक्युमुलेट करके, फूड को स्टोर करके जैसे स्वेलप हो जाती है, स्वेलप हो जाती है ना, जैसे ये टिप पार्ट है तो ये स्वेलप हो जाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, यानी जैसे मेन स्टेम से ये सोच स्टेम, अब यहाँ से अपन बात करें कि जो ब्रांचेज होगी ये स्वेलप हो जाएगी। ब्रांचेज क्या हो जाएगी? स्वेलप ब्रांचेस की रेगुलर फॉर्म में हो जाती है। हाँ, तो ये आप जानते हो कि फूड को एक्युमुलेट करती है। और ये पोटैटो जिसको आप देखते हैं पोटैटो को, यहाँ आप स्कार स्कार होते हैं, साइन से होते हैं स्कार से, जिसको आप कहते हैं ना आई बड। बिल्कुल आई बड, ये जर्मिनेट हो जाती है, जर्मिनेटिंग आई बड, जर्मिनेटिंग आई बड। क्लियर? तो वो एक्जिलरी बड को शो करती है। बिल्कुल, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि ये पोटैटो भी करेक्ट है। पिस्टिया मॉडिफाइड स्टेम है, बिल्कुल सही है। जैसे सब एरियल स्टेम होते हैं, तो जो ऑफसेट होता है आईकोर्निया पिस्टिया में, आईकोर्निया पिस्टिया में आप जानते हैं कि शॉर्ट इंटरनोड और ये नोड, और यहाँ पे नीचे रूट्स है ना, टप्ट यानी गुच्छा, और ऊपर आप जानते हैं कैसे लीफ का टप्ट होता है आईकोर्निया और पिस्टिया में, आईकोर्निया और पिस्टिया में ऑफसेट आपको दे रखा है। ये सब एरियल स्टेम होता है जो आधा एयर में आधा पानी में होता है। बिल्कुल, तो ये भी करेक्ट हो गया। फाइकस बरगद, तो बरगद में आप जानते हैं कि स्टेम का स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन नहीं है बिल्कुल, बल्कि फाइकस में तो टैपरूट सिस्टम है और जो ब्रांचेस से है वो प्रॉप रूट निकलती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। बिल्कुल, फाइंड आउट इनकरेक्ट है भाई, यहाँ पे मॉडिफाई रूट हो सकता है, मॉडिफाई स्टेम नहीं होता, स्टेम नहीं होता है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। ए अंडरग्राउंड स्टेम विच ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड बियर्स नोड इंटरनोड बर्ड्स एंड स्केली लीव्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। अभी हमने बात को क्लियर कर दिया। बिल्कुल, अदरक में हल्दी में भूमिगत तना जो क्षैतिज वृद्धि करे, पर्व संध्या, पर्व और कलिका और सल्की प्रणी, बिल्कुल सल्की प्रणी जो स्केली लीव्स होती है, ये बिल्कुल ले लो, नोड नोड और नोड। बिल्कुल, तो नोड के बीच का क्या हो जाएगा? इंटरनोड। तो ये इंटरनोड, ये क्या हो गया? नोड। बिल्कुल, और ये स्केली लीव्स, आप जैसे अदरक देखते हो ना, अदरक ऐसे बिल्कुल भूरी भूरी सलकी कागज की तरह ऐसे लेयर होती है, तो ये स्केली लीव्स होगी, और ये आपकी क्या होगी? बड होगी भाई। यहाँ पे शक्कर और जो स्टोलन है तो हो गए सब एरियल, सब एरियल हो गए, ये एक यहाँ पे अंडरग्राउंड पहले बात हो। और शक्कर का भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि सब एरियल है, जैसे ये मेन स्टेम है, फिर आप जानते हैं कि इसके बाद यहाँ रूट सिस्टम होगा, तो मेन स्टेम की ये ब्रांच जो पहले थोड़ी देर हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड चलेगी और फिर आपके आ जाएगी अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड ऑब्लिक तरीके से। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो आपका है यहाँ पर जो शक्कर है, शक्कर, और जो स्टोलन होता है, स्टोलन में क्या होता है कि जैसे ये मेन स्टेम है एक बार के लिए, अब यहाँ से आर्क बनेगा, ये ब्रांच निकले तो ये ऑब्लिकली आर्क बनेगा, फिर ये डाउनवर्ड टच करेगी, ये फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड ऐसे। बिल्कुल, तो ये आपका फॉर्म चलेगा किसमें? स्टोलन में। और यहाँ पे जहां पर ये अर्थ को टच कर रही है, अगर वहां पे नोड हो तो फिर वहां से रूट निकल जाती है, वहां से रूट निकल जाएगी ऊपर, ये फिर ब्रांच आपकी हो जाएगी, वहां से लीव जो आपकी हो जाएंगी। क्लियर? तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम गिवन कैरेक्टर्स हाउ मेनी आर रिलेटेड विद स्टेम, दिए गए लक्षणों में से कितने तने से संबंधित है? देखते हैं। डेवलप फ्रॉम प्लिमुल ऑफ एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है। इट बेयर्स ब्रांचेस लीव्स रूट हेयर्स, तो रूट हेयर्स जो है वो स्टेम पर नहीं पाए जाते, तो जो रूट हेयर्स है वो स्टेम पर नहीं पाए जाते। स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड, स्टेम कंडक्ट वॉटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल कर सकता है। स्टेम ऑल्सो रिलेटेड विद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। स्टेम बिकम वुडी
डार्क ब्राउन वेन फॉर्म्ड, ये गलत हो जाएगा। तो देखो जनरल कैरेक्टर सारे बता दिए, मैच्योरेशन फेज में आता है भाई। यंग स्टेम क्या होता है? ग्रीन होता है, ग्रीन इन कलर, ये एंशिएंट लिख रखा है, यंग स्टेम ग्रीन इन कलर। बिल्कुल, व्हेन इट मैच्योर, जब वो मतलब आगे मैच्योरेशन में जाता है तो वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है, तब होता है ना। तो ये रॉन्ग हो गए। स्टेम बियर बड व्हिच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, ये भी सही। मैं देखिए फिर सारे कैरेक्टर अपन आपको देखो, सारे कैरेक्टर स्टेम के आगे बेटा। टॉपिक कैसे तैयार करें आप देखो, स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल, बिल्कुल करेक्ट है, स्टेम प्लिम्यूल से ही डेवलप होगा, बिल्कुल क्लियर करेक्ट है। फिर आप जानते हो कि स्टेम है ना ब्रांच लीव्स फ्लावर फ्रूट्स को बियर करता है, धारण करता है। यहाँ एक रॉन्ग चीज आ गई, रूट हेयर, बाकी सही था लेकिन रूट हेयर रॉन्ग आ गई, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है बिल्कुल। फिर जानते हो प्लांट एक्सिस का वो पार्ट, एम्ब्रियो एक्सिस का प्लांट एक्सिस वो पार्ट जो नोट इंटरनोट में डिफरेंशिएट होता है, ये इसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, परिभाषी गुण होता है कि तना, अगर आप कहीं से अंडरग्राउंड हो कहीं पर भी, तने की पहचाने का लक्षण ये कि वो नोड इंटरनोड भी हटा होगा, सिर्फ स्टेम में होती है और बड होगी। तो आप समझ रहे हैं कि ये स्टेम में होती है, तो ये करेक्ट होगा 100%। स्टेम कंडक्ट वाटर मिनरल, भाई रूट से मिले हुए वाटर मिनरल को तो ऊपर लेकर जाता है, बिल्कुल। और जो लीफ फोटोसिंथेसिस फूड बनाती है उसको अंडरग्राउंड तक लेके आता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेम ऑल्सो रिलेटेड विद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बिल्कुल, जो भूमिगत तने होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, कायिक प्रबोधन करते हैं, प्रोटेक्शन, अभी आप बताते स्टेम थॉर्न, बिल्कुल सपोर्ट स्टेम टेंड्रिल कुकुरबिटा में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेम बिकम वुडी एंड डार्क, ये गलत हो गया, वेन फॉर्म्ड, क्योंकि जब बनता है यंग स्टेम होता है तो ग्रीन इन कलर होता है फिर डार्क होता है, यस। और स्टेम बियर बड व्हिच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, तो अपने बिल्कुल करेक्ट आपको बता दिया, टर्मिनल बड होती है और जहां नोड से ब्रांच नहीं होती थी यहां एक्सिलरी बड, तो ये टर्मिनल एपिकल बड, ये एक्सिलरी बड। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के द्वारा आप एक स्टेम से रिलेटेड पूरे पैराग्राफ को तैयार कर सकते, बिल्कुल ऐसे हमने सारे क्वेश्चन को अपने अरेंज किया है, सब कुछ चीजें की है। तो आपको बेटा देखो चीजों को सुने, ज्यादा ऑप्शंस देखें, क्वेश्चन इतने बढ़िया हैं कि आप फिर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप तैयार कर सकते हैं, क्लियर। आप ध्यान दीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26, द लैटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सोइल एंड देन कम आउट ऑब्लिक्यूली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट, दीज फीचर आर रिलेटेड टू, कि देखो ये मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम है और ये सब एरियल मॉडिफिकेशन है, तो ये तो अबव द सोइल है, अबव द ग्राउंड, और थोड़ा सा अबव मतलब बिलो बिलो द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से नीचे, बिल्कुल। अब इससे क्या होगा, जैसे यहां से आपने बात करें कि एक लेटरल ब्रांच अराइज होगी और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है और फिर ऑब्लिक्यूली होकर वो ऐसे बाहर आएगी सोइल से, है ना, सोइल सरफेस से ऐसे बाहर, फिर लीफ को धारण करती है यहाँ पर, फिर आप जानते हैं कि जो भी ब्रांचेज लीफ है उसको ये कवर करती है। तो ये टाइप कौन सा होता भाई? ये सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, इसको अपन कहते हैं सकर, अंतर्भूस्तरी सकर। और सकर में कौन कौन आते हैं? मिंट है, क्राइसेंथेमम है। देखो एनसीईआरटी के एक एग्जांपल चेंज करना है, वहां मिंट किसमें दे रखा है? स्टोलोन में दे रखा है, उस बस एक एग्जांपल चेंज कर देना, मिंट को आपको लेना सकर में। तो मिंट है, क्राइसेंथेमम है, पाइनएप्पल जो गुलदाउदी होती है, पाइनएप्पल होता है, तो ये सकर का एग्जांपल है। इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन क्या हो गया? 4। और देखिएगा जैस्मिन है ना, वो स्टोलोन है, अभी कांसेप्ट बता दूंगा मैं स्टोलोन का, ठीक है, जैस्मिन स्टोलोन है, आइकोर्निया ऑफसेट है, बिल्कुल पिस्टिया भी ऑफसेट है, है, तो बचा क्या? क्राइसेंथेमम, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अगर बाई पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑफसेट, रनर, सकर, स्टोलन, तो अपने को पता है जो ऑफसेट है उसके अंदर होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आप जानते हो कि जो भी स्टेम है अंडरग्राउंड या सब एरिया, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन और कुछ जो अंडरग्राउंड होती है फूड स्टोरेज, बिल्कुल, और वो आप जानते हो ऑर्गेनोपेरेनेशन, चिरकालिक अंग जो अंडरग्राउंड होते हैं, क्योंकि भोजन संचय रहता है और अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तो पड़े रहेंगे, जैसे ही फेवरेबल आएगी तो जर्मिनेट हो जाएंगे, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि ऑफसेट जो होता है आइकोर्निया और किसमें होता है? पिस्टिया, पिस्टिया में, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर रिप्रेजेंट नोड्स, रूट बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स या लीफ बर्ड्स। तो यहाँ पर जो पोटैटो वो क्या हो गया? स्टेम हो गया, बिल्कुल। और वहां पर जो अपने पास में है नोड, रूट बर्ड, फ्लावर बर्ड या फिर लीफ बर्ड, तो यहाँ पर जो नोड्स होते हैं वो यहाँ पे आइस के रूप में हम इसको मानते हैं भाई। पोटैटो, पोटैटो स्टेम है, स्टेम पे ट्रू बड होगी और ट्रू ही नोड इंटरनोड होगी, बिल्कुल। तो जो ऐसे पोटैटो के ऊपर आप जानते हैं कैसे स्केयर होते हैं, स्केयर, तो ये स्केयर ही तो वहां पर क्या है? बड है, बिल्कुल, पोटैटो बड, जो आई बड है या फिर नोड, क्लियर। और ये जर्मिनेटिंग हो जाती है, ऐसे जर्मिनेट हो जाती है, कभी कभी
आलू उग जाता है ना, जर्मिनेट हो जाता है, अगर लंबे टाइम तक पड़ा रहे तो अपने आप वो जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेटिंग आई बट है बिल्कुल। तभी तो आप जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके कुछ भी पार्ट ले लो जिसमें ये पार्ट आना चाहिए बिल्कुल, तो उससे नया पोटेटो बन जाएगा, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि वो ट्रू बर्ड है, ट्रू नोड है, ट्रू नोड नोड है, क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, और ध्यान दीजिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 29। ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड ग्रोइंग एयरली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, दीस फीचर आर रिलेटेड टू। तो ध्यान दीजिए बेटा कि मुख्य तने के आधार से पार्श्व शाखा उत्पन्न होती है बिल्कुल, कुछ समय तक वायु वर्दी करके मुड़कर भूमि से छूती है। तो ध्यान दीजिए अपन ने आपको शकर, शकर का पहले कंसेप्ट बताया, जैसे ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम सब एरियल सब एरियल, तो ये सोयल सरफेस होगी, सोयल से थोड़ा सा नीचे हो गया मेन स्टेम, अब इससे ब्रांच, तो ये स्टेम की ब्रांच होगी, उसके बाद आप जानते हैं कि रूट सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो स्टेम की ब्रांच है ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, क्षैतिज रूप से वृद्धि करेगी, फिर अपवार्ड ऑब्लिक्यूली ग्रो करके ये आप जानते हैं कि ऐसे एरियल फॉर्म में आ जाएगी, ऐसे ही आपका लीफ या ब्रांच होगी। ये तो हो गया शकर, शकर का कंसेप्ट तो अपन पहले बता चुके हैं, एग्जांपल बता चुके हैं, मिंट में क्राइसेंथेमम में ये है, क्योंकि एनसीईआरटी ने मिंट को दे रखा है स्टोलोन में, लेकिन एक एग्जांपल चेंज करना है, मिंट को आपको लेना है शकर में, क्योंकि क्वेश्चन सीबीएसई 2009 में, नीट 2009 में जो एग्जाम आपकी होती है उसमें आ चुका है। अब आप ध्यान दीजिए स्टोलोन क्या होता है, स्टोलोन, स्टोलोन बेटा क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये स्टेम होते हैं, ये स्टेम की ब्रांचेज है और आप समझ रहे हैं सब एरियल स्टेम है, आराम से स्टोलोन, ये सब एरियल स्टेम है, सही कह रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे स्टेम की ब्रांचेज होती है और यहां मेन स्टेम है, मेन स्टेम, इस मेन स्टेम एक्सिस से ब्रांचिंग होती है से, तो ये अपवार्ड ऐसे आर्क चाप बनाती है, अपवार्ड देन डाउनवर्ड बिल्कुल, देन अपवार्ड देन डाउनवर्ड। अब जहां सोयल को टच करती है और जहां पे नोड है वहां पर नोड है और सोयल को टच करती है, तो यहां एडवेंटस रूट और यहां पे आपकी ब्रांचेज आकर ये लीव्स ऐसे हो जाएगा, तो ये फॉर्म और ये आगे से आगे देखो ग्रो कर रहा है, ये एपिकल बड हो जाएगी, ये एपिकल बड हो जाएगी आगे से आगे, तो ये स्टोलोन है। देखो सारी एनसीईआरटी लाइने आ गई, सारे पूरी पूरी लाइने आपकी आप वहां पर आ गई और बहुत अच्छे आपके लिए तैयार हो गए बेटा, जैसे आप स्टेम की मॉडिफिकेशन हो गए है ना, सब एरियल के अंडरग्राउंड के फूड स्टोरेज और उसके लिए हो गए, फिर आपको मैंने स्पेसिफिक एरियल के बताए है ना, बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट समझा दिया, अकर्स बाय पुदीने में काई परिवर्तन किससे होता है, सकर से होता भी बात की थी अपन ने, 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है, आप इससे घबराना नहीं, मिंट को सकर में ही इंक्लूड करना है, नॉट स्टोलन में। आप देखो अपन ने रूट के और स्टेम के सारे कैरेक्टर डिस्कस कर दिए, और ध्यान दीजिएगा स्टेम के अंदर अपने अंडरग्राउंड स्टेम भी सारे ले लिए, सब एरियल भी ले लिए, और अबव द ग्राउंड में जैसे आपको मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए अब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये जैसे एक तो आपका होता है फिलोक्लेड, ये क्वेश्चन बहुत आता है बिल्कुल है ना, जैसे आप समझ सकते हो ना ओपनसिया में होल स्टेम फ्लैसी हो जाता है और आगे से आगे अनलिमिटेड ऐसे ब्रांचेज आती रहती हैं और ये बिल्कुल फ्लैटेंड होता है, यहाँ स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, लीव स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ तो कंप्लीट स्टेम ही हो गया, ये तो गया फिलोक्लेड, ओपनसिया में फिलोक्लेड, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। एक आपका आता है क्लेडोड, तो जो क्लेडोड होता है इसमें ओनली एंड ओनली वन और टू जो नोड होती है, इंटरनोड होती है, जैसे ये इंटरनोड है, ये एक्सपेंड होगी, फ्लैसी होगी बिल्कुल, एक्सपेंड और फ्लैसी एस्पर्गस में, इसमें होता है एस्पर्गस बिल्कुल क्लेडोड, एक लेडोड होता है प्रणाब पर्व, प्रणाब पर्व, एक या दो इंटरनोड ओनली, इंटरनोड यहाँ पर एक्सपेंड होती है, विस्तार होती है, फूलती है, एस्पर्गस में रस्कस में होता है, एस्पर्गस और रस्कस में। तो ये देखो स्टेम के फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफिकेशन होगी बिल्कुल, फिर एक जो फिलोड आएगा ना वो आप जानते हो लीफ का आएगा, पिटियोल, पिटियोल वहां पर एक्सपेंड होगा, ग्रीन होगा, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत 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 अच्छा। तो ये कंसेप्ट होते हैं बेटा, और ये क्वेश्चन आप देखो पहले स्टेम के कैरेक्टर को डिफाइन करो, फिर स्टेम का मेन फंक्शन पढ़ो, फिर उसके बाद आप मॉडिफिकेशन, तो अंडरग्राउंड स्टेम उनके टाइप एग्जाम्पल, फिर आप सब एरियल स्टेम टाइप एग्जाम्पल, फिर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एरियल मॉडिफिकेशन है स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन बिल्कुल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस के लिए, फिलोक्लेड क्लेडोड, फिर आपने कहा था प्रोटेक्शन के लिए स्टेम थॉर्न बोगनविलिया और सिट्रस में, फिर आपने कहा था सपोर्ट के लिए स्टेम टेंड्रिल कुकरबिटा में,
फिर क्लियर। तो बहुत अच्छे वे के अंदर आप कैरेक्टर्स को देखते जाएं, उनको हल करें और टॉपिक आप रूट स्टेम को पढ़ के इन क्वेश्चंस को बहुत तरीके से देखें और हल करें, सोल्व करें। यस बेटा, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेंगे लीफ और इन्फ्लोरेंस। बिल्कुल, लीफ और इन्फ्लोरेंस। तो एंजॉय प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी बेटा इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, लोगों के दिमाग में से ये केवल रटने का काम नहीं है। तो ये गुरु नीति की श्रृंखला आपके सब चीजों में हेल्प करेगी आप टॉपिक को तैयार करते हुए। और सर और मैं आपके हर तरीके से आपके लिए तैयार हैं, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।